नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आज इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ जूम एप्लीकेशन के बारे में। मतलब जूम एप्लीकेशन का ही एक सब्सटीट्यूट आ गया है वो डूडल था, क्योंकि जूम एप्लीकेशन में थोड़ा प्राइवेसी का प्रॉब्लम चालू था। तो यहाँ पर डूडल ने न्यू एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। ये न्यू एप्लीकेशन तो नहीं बोल सकते हैं, ये एप्लीकेशन पहले भी था बट अभी ये इसका ट्रेंड चालू होने वाला है। बिकॉज ये डूडल का वेरीफाइड एप्लीकेशन है इसलिए ये अभी बहुत चलने वाला है। इसलिए अगर आपको नहीं आता है तो इस तरह यूज़ करते हैं, इस तरह इसे मीटिंग को एनेबल मतलब ऑन करते हैं, तो आज इस वीडियो में आप बस बने रहिए, मैं आज सब प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। और यहाँ पे मेरे पास दो फ़ोन है तो आप लोग डेमो दे लिए, मैं दोनों बताने वाला हूँ। डेमो मतलब फुल लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ, तो बस आज इस वीडियो में आप बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स अभी जान लेते हैं। तो एक बार आप प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो मीट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन है। और ये अदर एप्लीकेशन आपके फ़ोन में पहले से है तो आप उसे अपडेट कर लीजिए, और नहीं है तो इंस्टॉल कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ़ोन, ये एप्लीकेशन मेरे फ़ोन में पहले से है तो इसे मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अभी न्यू अकाउंट बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यू। और यहाँ पे कुछ परमिशन मांगता है, यहाँ पे ये जो भी परमिशन मांगता है अलाउ दे दीजिए इसे। यहाँ पे आप देख सकते हो अलाउ, और जो भी आपको अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन करना है वो आप यहाँ पे अकाउंट से लॉगिन हो सकते हो। तो यहाँ पे मैं समझो ये वाला अकाउंट ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ सपोज ये। और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ये फुल रेडी है ये मीटिंग स्टार्ट करने के लिए। तो हम पहले सब बेसिक, सब जितने भी मेन मेन फीचर है वो सब जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन तो स्टार्ट तो हो चुका है, तो अभी हम सब फीचर समझ लेते हैं। फीचर समझते हैं फिर हम मीटिंग भी चालू कर दे और मीटिंग में ज्वाइन भी हो दे, तो फुल डिटेल में होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले यहाँ पे थ्री लाइन पे चले जाते हैं, और अगर आपको यहाँ से अकाउंट को स्विच करना है तो यहाँ से आप स्विच भी कर सकते हो। तो अभी तो जो नॉर्मल है वही चलने देना है, और यहाँ पे सेटिंग पे इतना कुछ खास फीचर है नहीं। अभी हम चले जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो मैंने बता दिया। अभी हम यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे भी इतना कुछ खास फीचर तो है नहीं बट फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इस पे चले जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी ईयर आवाज़ आएगा मतलब सामने वाले से, तो यहाँ पे स्पीकर पे सुनना है मतलब ये वाला स्पीकर पे, या फ़ोन से सुनना है ये मतलब ईयर पीस जो आप मतलब कॉल करते हो तो सामने वाला बोलता है तो यहाँ से आवाज़ आता है ये सुनना है, या ऑडियो ऑफ या सुनना ही नहीं है। तो यहाँ से आप जो भी चाहिए उसे एनेबल कर सकते हो। तो अभी तो मैं जो नॉर्मल है वही रहने देता हूँ, और इसे अभी कैंसिल कर देता हूँ। अभी यहाँ पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर आता है वो ये, पहला तो ये मैंने इंपॉर्टेंट फीचर बता दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अभी दूसरा फीचर है ये, यहाँ पे आप देख सकते हो ये माइक का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये है आप जो भी बोलो दे वो सामने वाले तो जाना चाहिए या नहीं। तो यहाँ से आप जैसे ही ऑफ करो दे तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रोफोन ऑफ, और इसे ऑन करो दे तो यहाँ से ऑन। अभी ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, और यहाँ पे है न्यू मीटिंग, अगर आप मीटिंग क्रिएट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कीजिए, और अगर मीटिंग को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कीजिए। मैं दोनों बताने वाला हूँ, एक बार मैं ये मीटिंग को एनेबल करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये मुझे कोड आया है। अगर मैं ये कोड भेजना चाहता हूँ तो यहाँ से भेज सकता हूँ, तो यहाँ से मैं शेयर कर देता हूँ, और ये आपको जहाँ पे भी शेयर करना है वहाँ से आप शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर देता हूँ एक बार यहाँ से, और मैं इसे फटाफट ये वाले फ़ोन में सेंड कर देता हूँ मतलब ज्वाइन हो जाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कोड है ये हमें यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे हम मीटिंग कोड पे चले जाए दे और यहाँ पे एंटर कर दे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फटाफट, जैसे ICWH, और यहाँ पे ज्वाइन मीटिंग पे हम चले जाए दे। और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे ज्वाइन हो चुका है। तो अभी हम पीछे चले जाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है, अभी तक आपको यहाँ पे आस्क टू ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर ये वाले फ़ोन में मैसेज आएगा कि आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो मतलब एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं। तो इसे आस्क टू ज्वाइन, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एडमिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी इन दो नाम आ चुका है। मैं इसे म्यूट कर देता हूँ, नहीं तो बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ वो यहाँ पे शो हो रहा है। अभी हम सब फीचर समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे तो जो भी मेंबर है वो यहाँ पे आ रहा है, जो भी न्यू मेंबर ज्वाइन होता है वहाँ पे यहाँ पे न्यू सिम्बॉल आएगा न्यू। और अगर हमें इसे पिन करना है मतलब ये टॉप पे ही चाहिए, जैसे यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में हम पिन करते हैं तो वो टॉप पे ही रहता है, वैसे ये भी है। तो इस पे हम चले जाए थे यहाँ पे, और यहाँ से पिन कर दे हम।
तो ये टॉप पे रहेगा। तो अभी जितने भी मेंबर ऐड हो रहे वो नीचे 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 जाते रह रहे, बट ये वाला ऊपर ही रहने वाला। और सेम ऐसे ही अगर इसे भी मुझे पिन करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देते और यहाँ से पिन, इसे मैं वापस अनपिन कर देता हूँ दोनों को, और यहाँ से नॉर्मल। अभी हम चले जाते हैं यहाँ पे चैट पे, यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है सर या मैडम को तो यहाँ से आप पूछ सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ हेलो, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा नेट, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन एक बार ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, तो समझने के लिए इजी रहता। तो इसका भी मैं एक बार स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने हेलो दिया तो यहाँ पे नाम के साथ मैसेज भी आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम इन्फो में चले जाते हैं। इन्फो में ये वही, अगर आपको ये मीटिंग शेयर करना है तो यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए अभी हम थोड़े फीचर समझ लेते हैं। जैसे अगर आपको अपना मोबाइल स्क्रीन बताना है तो वो ऐसे बता दे, अगर आपको मोबाइल पे कुछ टाइप करना है और दूसरे स्टूडेंट से स्क्रीन पे बताना है तो वो ऐसे करे दे, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप चले जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी एक बार फीचर समझ लेते हैं। ये फीचर तो ये सब मैंने बता दिया है, मैं अपना A3 फ़ोन ले लेता हूँ बिकॉज दोनों फ़ोन में सेम ही फीचर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये फ़ोन में मैं फुल डिटेल में बता देता हूँ, तो इस फ़ोन का ज़रूरत नहीं है मुझे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ़ोन मैंने यहाँ पे ले लिया है, और अगर अच्छी है तो यहाँ पे मैं साइड में रख देता हूँ आपको समझने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी यहाँ पे है, अगर ये तो मैंने बता दिया वो स्पीकर फ़ोन ऑडियो ऑफ या सेंसर। अब यहाँ पे सी सी मतलब आप जो भी बोलो दे, फिर वहाँ पे इंग्लिश में सब टाइटल आते रहते हैं। एक बार एग्जाम्पल से थ्रू मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे मैं यहाँ से माइक्रोफोन ऑन हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश में आ चुका है, इस तरह फीचर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से, मतलब आपको इंग्लिश में ही बोलो दे तो बेटर है, हिंदी में यह नहीं लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अभी हिंदी में बोलता हूँ, मेरा नाम मयूर है, मेरा नाम मयूर है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नहीं लेता है, ये इंग्लिश में ही लेता है, तो आपको इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा प्रॉपर सबटाइटल के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं दूसरा बता देता हूँ, यहाँ पे मैं सबटाइटल मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे 3 लाइन पे, यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपको कैमरा स्विच करना है, मतलब फ्रंट की जगह पे बैक कैमरा लेना है तो वो भी आप कर सकते हो, और ये सीसी मैंने बता दिया। अभी जो मैं बता रहा था, अगर फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेजेंट स्क्रीन आ रहा है, तो अगर आपको मोबाइल का पूरा स्क्रीन बताना है दूसरे आपके स्टूडेंट को तो इस पे चले जाना है, प्रेजेंट इन पर क्लिक कर दे, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपका मोबाइल रहेगा, और यहाँ पे स्टार्ट नाउ, और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो भी आपका मोबाइल में रहेगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं पीछे गया और यहाँ पे कैमरा ऑन किया मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें थोड़ा प्रोसेस लेगा बिकॉज नेट के ऊपर डिपेंड है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बट हो जाता है। अब अगर समझो आपको कुछ यूट्यूब पे वीडियो बताना है तो यहाँ से आप वीडियो भी बता सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह है, और अगर आपको समझो कुछ टाइप करना है तो आप नोटपैड में भी टाइप कर सकते हो। अभी नोटपैड यहाँ पे बहुत सारे हैं प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन, जैसे गूगल का क्लिप नोट्स है उसमें भी आप कर सकते हो, या अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप, मैं एक एप्लीकेशन देता हूँ, मतलब एप्लीकेशन मतलब ये सभी के फ़ोन में होता है, एक बार मैं इसे ओपन कर देता हूँ, आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन है, इसे मैं ओपन कर देता हूँ, और यहाँ से आपको जो भी टाइप करना है वो आप टाइप कर दीजिए, हेलो हाउ आर यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर आपको जो भी टाइप करना है वो यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो। तो इस तरह फीचर है, और अगर आपको समझो जो भी आपने ये ऑन किया उससे ये वापस ऑफ करना है तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे वो एप्लीकेशन ओपन कीजिए, ये मैंने मतलब लेफ़्ट हो दिया मैं, तो यहाँ पे वापस रीजॉइन कर देना है। अगर आपने समझो हाथ से तभी लेफ़्ट हो जाता है तो बस यहाँ से रीजॉइन कर दीजिए, आप वापस ज्वाइन हो जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस समय वापस ऑडियो ऑफ कर देता हूँ। अभी हम चलिए जाते हैं और दूसरा फीचर समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे रिपोर्ट है प्रॉब्लम पे चले जाना है, या कुछ भी एब्यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे रिपोर्ट या हेल्प चाहिए तो हेल्प, और यहाँ से कैंसिल। अभी हम जान लेते हैं किस तरह ये मीटिंग को क्लोज करना है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एंड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर प्रेस कर देना है और यहाँ पे मीटिंग कैंसिल हो चुका है। तो इसमें भी सेम यहाँ से चले जाना है, और यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हो अभी आप रेटिंग दे सकते हो, तो यहाँ पे मैं रेटिंग दे देता हूँ फुल, और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह ये फीचर है। और अगर आप तो चाहिए सेम तो वापस आप न्यू मीटिंग पे जाइए और फिर वही कोड डालिए
तो इस तरह फीचर था। तो जो जो मेन मेन फीचर थे वो मैंने सब बता दिए हैं, फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझा तो प्लीज़ साथ कमेंट ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और शेयर दीजिए। थैंक यू सो मच।